वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं एसिडिटी को लेके कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, कुछ योग एवं आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी होती क्यों है। एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो पहला कारण है वो है हमारा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना। दूसरा, अधिक चाय का सेवन करना। जो लोग चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के पीते हैं तो चाय हमारे लिए जहर का काम करती है, तो वो भी एसिडिटी का कारण होता है। तीसरा जो कारण है वो है हमारा अधिक मिर्च मसाले सेवन करना। जो लोग अधिक मिर्च मसालों का सेवन करते हैं तो उनको भी एसिडिटी हो जाती है। और जो चौथा कारण है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, वो है हमारा ओवर ईटिंग, अधिक खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आइए जानते हैं कि हम एसिडिटी को ठीक कैसे करें। तो पहला उपाय मैं आपको रामबाण उपाय बताता हूँ, जो कि एक दिन में आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है पहले ही दिन, और आप डेली उपाय करते रहेंगे विभिन्न प्रकार के, मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो देखेंगे आपकी तीन दिन से लेकर पाँच दिन के अंदर आपकी एसिडिटी धीरे धीरे बिल्कुल क्योर हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो पहला जो मेरा सुझाव है वो है आप एलोवेरा जूस लीजिए। एलोवेरा जूस आपको पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, आप लगभग 20 ml एलोवेरा जूस आप एक कप सुबह उठ के फ्रेश होने से पहले गुनगुने पानी में सेवन कीजिए। लगभग 20 ml एलोवेरा जूस एक कप गुनगुने पानी में सेवन करना है सुबह खाली पेट। फ्रेश होने से पहले भी ले सकते हैं और फ्रेश होने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश होके लेंगे तो फ्रेश होने से पहले तो आपको अधिक लाभ होगा। और जो अगला उपाय है वो हमारा आप कुंजल क्रिया करें। कुंजल क्रिया किस प्रकार करनी है, जैसे आप सुबह फ्रेश होने के बाद अपना ब्रश वगैरह करके और पेट भर के पानी पी लीजिए। अगर आप 2 गिलास पानी पीते हैं तो कम से कम 5 गिलास पानी पीजिए, और 5-6 गिलास पानी पीने के बाद पेट भर के जब आपको उल्टी सी वॉमिटिंग सी होने लगे तो आप 2 उंगली इस प्रकार जीभ के अंदर ऐसे डालें आ करके, और आपको धीरे धीरे पानी एक साथ निकलने लगेगा। तो ऐसे 2-3 बार आप करेंगे तो जो पेट के अंदर हमारा पानी है वो सारा बाहर हो जाएगा, और जो पित्त बढ़ा हुआ है, जो आपके अंदर एसिड बढ़ा हुआ है, वो आपका बाहर हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग को करके देखें सुबह खाली पेट। आपको हफ्ते में यह प्रयोग 2-3 दिन करना है, 1-2 दिन का गैप करके आप कीजिए हफ्ते में लगभग 3 बार, तो आपको एसिडिटी में विशेष लाभ होगा। तो ये आपको मैंने दूसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय है आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं। गेहूँ के ज्वारे का जो पाउडर आता है पतंजलि स्टोर पे आपको मिल जाएगा, तो वो आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है। और फिर आपको क्या और भी उपाय बता देता हूँ, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। सौंफ को पानी भिगो दीजिए, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी मिश्री भी आप उसमें भिगो सकते हैं। सौंफ और आप थोड़ी मिश्री रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह पानी को सेवन कीजिए छान के, तो वो भी डायबिटीज में विशेष लाभ करती है। और 2-3 बातें और बता देता हूँ, आप फल हरी सब्जियाँ जूस इनका सेवन कीजिए, हल्का खाना खाइए, अपने पेट को हल्का रखिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए, तो आपकी आपकी एसिडिटी 100% कंट्रोल हो जाएगी। तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इन उपाय को अपनाएं तो आपको निश्चित लाभ होगा। और आपको योग भी बता देते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, राइट को दबा के राइट नोज को, लेफ्ट से सांस को भरें, लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। तो दिन में आप कभी भी आप अनुलोम विलोम को कीजिए, जब भी आपको एसिडिटी, आपको लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, तो आपको तुरंत लाभ होगा। और एक शीतली कितनी देर करना है अनुलोम विलोम, लगभग 5-10 मिनट करना है, और दिन में 2-4 बार कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला जो प्राणायाम है वो हमारा शीतली शीतकारी। शीतली में क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करना है, फिर हवा को अंदर भरना है, पूरा भर के फिर होल्ड कीजिए, 10-20 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ दीजिए, फिर से फिर इसमें एक शीतकारी होता है। ये जो आपको शीतली शीतकारी दो प्राणायाम बता रहा हूँ, तो ये आपको 5-5 बार करने हैं, 5-10 बार। शीत आपको शीतली हो गया, शीतकारी में क्या करना है, दांतों को बंद करके और हवा को अंदर भरना है, पूरा भर के माउथ क्लोज करें
और रोक के रखें, फिर छोड़ दें आराम से। फिर से पूरा भर के रोक के रखें, फिर छोड़ दें इस प्रकार। तो ये 5-5 बार आपको करना है, या 10-10 बार भी कर सकते हैं। तो तुरंत आपको एसिडिटी में लाभ होगा, और आप इन उपाय को प्रयोग करके देखिए। और दिन में आप पानी खूब पिए, लगभग 4-5 लीटर पानी सेवन कीजिए, 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। तो जब आप खूब पानी पियेंगे, फल खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, जूस पियेंगे, कुंजल क्रिया करेंगे, योग करेंगे, तो 100% आपको लाभ होगा। तो इन प्रयोग को अपनाइए, और आपको लाभ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।